बच्चों, नारायण लाल क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का विषय है प्रकृति के सुषमा। प्रश्न का उत्तर लिखिए। पुष्प किस प्रकार धरती को सजाते हैं? इस प्रश्न का समाधान यहाँ पर हमको लिखना है, ठीक है? तो रंग बिरंगे पुष्प यहाँ पर लिखेंगे, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे यानी कि कलरफुल, ठीक है? पुष्प यानी कि फूल होता है। रंग बिरंगे पुष्प अपने रंगों, रंगों क्या है, इधर बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है? अपने रंगों से क्या करती है, धरती को, धरती यानी कि क्या है, धरती यानी कि भूमि होती है, ठीक है? धरती को सजाते, ठीक है? तो यहाँ पर सजाते हैं, ये हो गया। और धरती पर, ठीक है, धरती पर अनोखी छटा, अनोखी छटा जाती है। तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर हो गया है, ठीक है? और दूसरा बीच में है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसके चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है? यहाँ पर सूर्य के चमकने से अंधियारा दूर हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे। और सुषमा शब्द का अर्थ क्या है? सुषमा शब्द का अर्थ है सुंदरता। तो ये संज्ञा इधर आ गया है। और दूसरा है, पक्षी आकाश में डैश है, तो ये डैश में क्या आता है, इधर आपको क्रिया पहचान कर लिखना है, उड़ते, ठीक है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तैरते नहीं, चलते नहीं और जाते भी नहीं, ये पूरा क्रिया, लेकिन सही क्रिया का आपको पहचान कर इधर आपको लिखना है, ठीक है? वहां पर सही क्रिया चुनिए करके दिया है, ठीक है? तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इस तरह से ये हो गया है, ठीक है? तो इसका संख्या क्या है, एक है। तो इस तरह आज का विषय प्रकृति की सूक्ष्म हमने समाप्त किया है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।